प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा आठवीं में चतुर्थ पाठ माने चार पाठ नीति श्लोक के सही शुद्ध उच्चारण एवं उसका अर्थ बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो। सबसे पहले सही उच्चारण, तो जे लिखा है अर्थ आगमो नित्यम अरोगिता चा प्रिया चा भार्या प्रियवादिनी वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड् जीव लोकस्य सुखानि राजन् अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम् अमृतम राहवे मृत्युः विषम शंकर भूषणम अमृतम च मृत्युस्य द्वयम् देहे प्रतिष्ठितम् मृत्युम् पद्यते मोहात् सत्येन पद्यते मृतम् आपश्चुमित्रम् जानीयात् युद्धे शूरम् धनम् शुचिम् भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बान्धवान् आरोपिते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपातिते क्षणे नाथः तथात्मा गुणदोषयो उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम् जपितो नास्ति पातकम् मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम् किं छिद्रं को न संगो मे किं वाष्पिन पातितम् कुतो माश्रयेद् दोषा इति नित्यं विचिन्तये गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनं विक्रियन्ते न घण्टापि गावः क्षीरविवर्जिता निर्धनस्य विषं भोगे निःसत्त्वस्य विषं नृणम् अनभ्यासे विषं शास्त्रम् अजीर्णे भोजनं विषम्। तो बच्चों, शुद्ध उच्चारण करके हमने आपको बताया है। अब आप इसका अर्थ भी देखेंगे। देखें अर्थ आगमो नित्यम अरोगिता, कहने का मतलब यह है रोज हमारे यहाँ धन आना चाहिए और नित्य हम कैसे हों निरोगी रहे, माने हमें कोई रोग ना हो। प्रिया भार्या से मतलब भार्या माने पत्नी, पत्नी कैसी हो सुंदर सुशील, प्रिय वादनी चा और प्रिय वचन बोलने वाली हो। वश्य पुत्र हो, पुत्र कैसा हो आज्ञाकारी हो। अर्थ करी च विद्या और विद्या कैसी हो कमाने वाली। जैसे हम कुछ पढ़ लिख जाते हैं तो कुछ नौकरी लग जाती है तो पैसे का आना जाना हो जाता है, तो विद्या कैसी होना चाहिए अर्थ करी विद्या होना चाहिए। यही इस संसार की ये छह जो है आपके इस संसार की छह सुख हैं, जो ऊपर दिए हुए इस संसार के छह सुख हैं। पहला सुख क्या है पैसे का आना जाना हो रोज हम निरोगी रहें, भार्या माने पत्नी सुंदर हो सुशील हो और प्रियवाल बोलने वाली हो, पुत्र आज्ञाकारी हो विद्या अर्थकारी हो माने उससे हमें पैसे मिलें, यही जीवन की छह सुख हैं। दूसरा देखें अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, जो समर्थवान होते हैं उनकी अनुचित बातें भी उचित होती हैं।
माने जो अनुचित काम करते हैं वो भी उचित हो जाते हैं, और जो समर्थ नहीं होते माने गरीब लोग होते हैं उनकी उचित, उनके लिए उचित भी अनुचित हो जाता है। जैसे अमृतम राहिले मृत्यु, जैसे राहु को अमृत पीने के बाद ही मृत्यु मिली। राहु का नाम तो आपने सुना होगा, ये राक्षस था जिसने देवताओं की लाइन में लग के जब अमृत पान करने की कोशिश की थी तो वहां भगवान विष्णु ने देख लिया उसको और सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। तो अमृत पीने के बावजूद भी राहु को मृत्यु मिली, और विष पीने के बाद ही भगवान शंकर को क्या भूषण, एक उपाधि मिली, क्या कहते हैं उन्हें, नीलकंठ कहते हैं। अमृतम च एव मृत्युश्च, अमृत माने अमरता और मृत्यु, द्वयम् देहे प्रतिष्ठितम्, दोनों ही हमारे शरीर में विद्यमान है, प्रतिष्ठित है। मृत्युम पद्यते मोहा, मोह से कि जे हमारा है, जे पराया है, इस प्रकार का जब मोह होता है तो जो मोह के बंधन में फंसे रहते हैं उनको क्या मिलती है, मृत्यु। जो मोह में फंसे रहते हैं उनको माने मोह से मृत्यु प्राप्त होती है, और जिसने सत्य को जान लिया, सत्यम पद्यते अमृतम, सत्य को जान लिया उसे अमरता प्राप्त होती है। आपस्य मित्रम जानिया, आपत्ति में मित्र को जाना जाता है। युद्धे सूरम, सूर जो सूरवीर होते हैं, बलवान होते हैं, उन्हें युद्ध में जाना जाता है। धनम सुचितम, और शुचिता पवित्रता में धन को जाना जाता है। भार्या क्षीणेश वित्तेश, और भार्या माने पत्नी, पत्नी को कब पहचाना जा सकता है, जब धन नष्ट हो जाए। व्यसनेशुचा बांधवान, और संकटों में अपने सगे भाई बहनों को पहचाना जा सकता है। आरोपति शिला शैली यतनेन महता यथा, जब हमें आरोपित माने आरोपित करना रखना, शिला शैली, शिला माने पत्थर, शैली माने पहाड़, जब हमें किसी पहाड़ पर पर्वत पर एक शिला भले छोटी सी क्यों ना होगा उसको ले जाना है और वहां रखना है, तो हमें यहां से बहुत यत्न प्रयत्न करना पड़ेगी। तथा यतनेन महता यथा, उसको ले जाने में बहुत सारे प्रयत्न करना पड़ेंगे। परंतु निपातते छड़े नादा, यदि हमें नीचे गिराना हो, नीचे लाना हो, तो एक क्षण में, छड़े नादा एक क्षण में नीचे गिरा सकते हैं। तथात्मा गुण दोषियों, इसी प्रकार गुण और दोष आते जाते रहते हैं। गुण बड़े प्रयत्न यत्न करके मिलते हैं, जबकि दोष बिना प्रयत्न के बिना यत्न के मिल जाते हैं। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम, मेहनत करने से दरिद्रता नहीं आती। जब तो नास्ति पातकम, और जब तक करने से पातक माने पाप नष्ट हो जाते हैं। मौने च कलो नास्ति, और मौन रहने से क्या होता है, कलह माने लड़ाई झगड़े नहीं होते। नास्ति जागृति भयम, और जागते रहने से भय नहीं होता। किम छिद्रम पोन संगो, क्या मुझ में बुराई है, क्या मुझ में आसक्ति है, मैं माने मेरे में क्या बुराई है, क्या आसक्ति है, क्या कोई ऐसी वस्तु है जो पतनशील ना हो। इस संसार में कोई ऐसी चीज है जो पतनशील ना हो, माने सारी चीजें जितनी हैं पतनशील हैं, नष्ट होने वाली हैं। कुतो मम श्रेय दोषा, मेरे अंदर दोष कहाँ से आते हैं, इति नित्यम चिंतित, यह हमें विचार करना चाहिए। संत महात्मा लोग इसी को अनुसरण करते हैं, वे रोज रोज अपने पापों का क्या करते हैं, क्षय करते हैं, जप तप करके।
और वो डेली सोचते हैं कि क्या मुझ में बुराई है, क्या मन में आ सकती है, क्या कोई वस्तु ऐसी है जो पतनशील ना हो, और मुझ में ये कहाँ से दोष आते हैं, ऐसा वे डेली विचार करते हैं। गुणेषु प्रियताम यतना, गुणों के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, गुणों को अर्जन करने में हमें प्रयत्न करना चाहिए। कि वहां टोपई प्रयोजन, आडंबर करने से क्या लाभ, जिस प्रकार विक्रियंते ना घंटा भी गावा, माने गाय के गले में घंटा लगाने पर बेचने जा रहे बिक्री के लिए जा रही, परंतु वह क्षीर विवर्जिता और दूध नहीं देगी, घंटा लटका लो उसमें चाहे कुछ भी कर लो वो दूध नहीं देगी। निर्धनस्य विषम भोगी, गरीब होते हैं उनको उनका क्या क्या है, भोग विलास करना विष के समान है। निस्सत्वस्य विषम रण, और जो अशक्त हैं शक्तिहीन हैं उनमें उनको रण में जाना माने लड़ने के लिए जाना, युद्ध में जाना विष के समान है। अनभ्यासी विषम शास्त्रम, बिना अभ्यास के शास्त्र विष के समान है। अजीर्ण भोजनम विषम, और अजीर्ण हो जाए ज्यादा भोजन कर ले अपन तो क्या है वह विष के समान है। तो बेटा आपको हमने सही उच्चारण करते हुए इन श्लोक का अर्थ बताया है, आप लोग ध्यान से वीडियो को सुने, बार बार सुने तो निश्चित रूप से आप पे बन